गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक से लेकर 30 तक यानी कि 1 to 30 आपको फॉरवर्ड काउंटिंग भी करवा दी गई है और बैकवर्ड भी। ठीक है, आज हम आगे करेंगे। तो 31 से लेकर 50 तक फॉरवर्ड काउंटिंग तो मैंने आपको करवाई हुई है, 31 से 50 तक। ठीक है, तो मैं आपको बैकवर्ड काउंटिंग सिखाती हूँ। पहले हम इंग्लिश में करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग। जैसे 50 क्या होता है, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। ठीक है, उसके बाद 40 क्या होता है बेटा, 40, 39, 38, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31। ठीक है, तो 50 से लेके 31 तक आपने बैकवर्ड काउंटिंग इस तरह से लर्न कर लिया। ठीक है, अब हम एक बार हिंदी में प्रैक्टिस करती है। क्या होता है बेटा, 50, 49, 48, 47, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 52, 53, 54, 53, 54, 53, 54, 53, 54, 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
बैकवर्ड एक बार हिंदी में करते हैं। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31। ठीक है, अब एक बार इंग्लिश में भी कर लेती है। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 क्या होता है बेटा, 40, 40। ठीक है, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31। ठीक है, पहले इस तरह से आप ओरल प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको रिटन प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, पहले आपको ओरल आ जानी चाहिए ना, उसके बाद रिटन। ठीक है, फिर आप मुझे वीडियो में ओरल सुनाएंगे भी, प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।